आप ना मेरे एक बात से ज़रूर अग्री करेंगे कि हम ह्यूमन बीइंग्स फ्रेजाइल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, हम तो बड़े रफ एंड टफ हैं, कैसे फ्रेजाइल हुए? अब आप ही सोचिए ना, जब से हम पैदा होते हैं और जब तक इस धरती पर रहते हैं, हमें एक प्रॉपर केयर, प्रॉपर डाइट की ज़रूरत लगती है। अगर हमने प्रॉपरली न्यूट्रिशन विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए नहीं लिए तो आप सभी को पता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना? सो हुए ना हम लोग फ्रेजाइल। तो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम सब हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर एवरी डे रह सकते हैं विथ सिंपल लाइफ स्टाइल रूटीन और कुछ चीज़ें जो मैं आज आपके साथ यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप ही देखिए, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ना एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन विटामिन्स की ज़रूरत होती है। चाहे हेयर टू स्किन हो, लीवर टू हार्ट हो, या फिर बोन्स टू जॉइंट हो। वैसे तो मैंने बहुत कम चीज़ें आपको यहाँ पर गिनवाई है, पर ओवरऑल बॉडी के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की एवरीडे बेसिस पर ज़रूरत लगती है। और जब हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली सारी चीज़ें देते हैं, तब जाकर हमारा ये हर एक दिन हेल्दी बनता है। बट आज के बिजी लाइफस्टाइल में काफ़ी बार हम लोग ऐसा देखते हैं, या होता भी है, ये एक फैक्ट है कि नहीं हो पाता हर चीज़ को बैलेंस करना। और खान पान को लेकर तो आजकल हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो चुके हैं, बहुत इजीली अनहेल्दी चीज़ों को चूज़ करते हैं। बट हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और क्या वो चीज़ें हर रोज़ हमारी बॉडी को मिल रही है। क्या हम लोग प्रॉपरली एवरी डे नट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं? नहीं पॉसिबल है ना एवरीडे इन सारी चीज़ों को कैलकुलेटिवली लेना, है ना? एंड दैट्स वाई फिर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं सप्लीमेंट्स पर। सप्लीमेंट हमारे लिए ये सारी जर्नी आसान कर देती है। एंड दैट्स वाई टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी बिजी लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी को ग्रैब करने के लिए तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि एक स्पेसिफिक समय पर हम सूरज की किरणों के नीचे जाकर बैठ जाए, राइट? पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बोला ना आजकल का बिजी लाइफस्टाइल। सो कैसे करें, कैसे हम लोग विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए लें? सो सिंपली आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू गाइस बायो आयुर्वेदा का बायो विटामिन डी। इसमें आपको ऑर्गेनिक हर्ब्स मिलते हैं विद नेचुरल न्यूट्रिएंट सोर्सेस। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि इसमें है मोरिंगा, बाला, अश्वगंधा, नारंगी, तुलसी, सौंठ, आंवला, मेथी, मुस्ता, एरंड। ये स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है कि आपका जो स्केलेटन हेल्थ है उसे रिजुनेट करे एंड बोन्स को स्ट्रेंथ दे। इट ऑल्सो पैक विथ प्लांट प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसे रेगुलर लेने से ये प्रमोट करेगा बोन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, ऑल्सो ये बिल्ड करेगा बोन के डेंसिटी को। एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप इसे ले सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स के लिए। अब आपको पता है कि आफ्टर सम एज हमारे जो बोन्स हो जाते हैं नाजुक। अब नाजुक बोन्स क्या हो जाते हैं, बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी खोने लगती है और कई बार बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाते हैं। सो रेगुलर हम लोग बायो आयुर्वेदा का ये जो बायो विटामिन डी लेते हैं हमारे एवरीडे लाइफस्टाइल में, सो इन सारी चीज़ों से डेफिनेटली हम लोग बच सकते हैं। इनफैक्ट आपने कई बार 30 या 35 प्लस एज वाले जो लोग होते हैं उनको ये कंप्लेंट करते हुए देखा होगा कि उनके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है या फिर उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो इसे रेगुलरली लेने से ना ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इतना ही नहीं, ये आपकी इम्यूनिटी को भी काफ़ी अच्छा करता है। मतलब सिर्फ ये बोन को स्ट्रांग या मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए नहीं है, तो इम्यूनिटी को भी अच्छा करने के लिए या फिर आपकी डेली जो एनर्जी होती है उसे भी अच्छे से बूस्ट करने के लिए इट वर्क्स। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब इसे लेना कैसे है, 1 से 2 कैप्सूल एवरी डे आपको लेना है। अगर आप चाहिए तो अपने फिजिशियन से भी बात करके किस तरह से इसे लेना है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अब ये तो हो गई विटामिन डी की बात, पर आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से लोग डायबिटीज से भी बड़े परेशान हैं। काफ़ी कॉमन हो गया है, बहुत आसानी से हम लोगों के मुँह से सुनते हैं कि मुझे तो डायबिटीज़ है।
एंड दैट्स वाई अगर कुछ ऐसा है मतलब डायबिटीज की दिक्कत है सो सिंपली यू गाइज कैन चेक बायो आयुर्वेदा का बायो डायबलेस. बेसिकली इट वर्क्स फॉर ब्लड शुगर बैलेंस एंड कोलेस्ट्रॉल केयर. बायो आयुर्वेदा के बारे में मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड नेचुरल न्यूट्रिएंट सोर्सेस. एंड अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ तो काफी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है इस बायोलेस कैप्सूल में भी, जैसे कि गुलार, अश्वगंधा, जामुन, करेला, असाना, हल्दी, तुलसी, मेथी, गिलोय, आंवला, हरिताकी, विभिन्नताकी एंड शुद्ध शिलाजीत. रेगुलरली इन कैप्सूल को वंस और ट्वाइस अ डे लेने से ये हेल्प करता है रेगुलेट एंड बैलेंस करने में ब्लड शुगर लेवल को, ऑल्सो लिपिड लेवल्स को. और यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट विथ योर फिजिशियन एंड आफ्टर कंसल्टिंग विद देम आप इन कैप्सूल को नॉर्मली ले सकते हैं. And let me tell you, it is really helpful for both types of diabetes. It also stimulates pancreatic and liver functions, regulates insulin secretion and glucose utilization. It also enhances enzymatic action that aids glucose absorption. It also clears blockages in circulation and balances blood pressure. Not only this, इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कोलेस्ट्रॉल. और जब हम रेगुलरली इन कैप्सूल्स को लेना चालू करते हैं ना तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव आर बॉडी एनर्जी. और अगर अगली इस चीज़ के बारे में मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पर्सन इज रियली रियली वॉन्ट कि उसके बॉडी में से जो भी एक्सेस ऑफ फैट है वो निकल जाए, उसका वेट लॉस होना चालू हो जाए, क्योंकि हर कोई आजकल बढ़े हुए वजन से काफ़ी परेशान है. सो उस चीज़ के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि है गार्सिनिया. सो बायो आयुर्वेदा के पास गार्सिनिया के यहाँ पर 90 कैप्सूल्स मिल रहे हैं. हाउ इट विल हेल्प फॉर यू लेट मी एक्सप्लेन यू. गार्सिनिया एक एग्जॉटिक फ्रूट है, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. ये रेगुलेट करता है मेटाबोलिज्म को, ऑल्सो इट हेल्प्स टू गिव यू गुड कोलेस्ट्रॉल. सो इसे ना रेगुलरली जब कंज्यूम करते हैं वंस और ट्वाइस अ डे सो इसके रिजल्ट हमारे बॉडी के लिए दिखने लगते हैं. और यू गाइस कैन अगेन कंसल्ट विथ योर फिजिशियन. ओके, अब चलिए मैं डिटेल में आपको क्विकली बता दूं कि गार्सिनिया किस तरह से हमारे बॉडी के लिए काम करता है. ये एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है हाइड्रोसिक सिट्रिक एसिड का, जिसकी वजह से ये हमारे वेट लॉस जर्नी में हमारे लिए बहुत यूजफुल बन जाता है. इसे रेगुलरली लेने से ये कंट्रोल करता है एपिटाइट को, प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी बहुत अच्छी वाली जिससे हम बार बार बीमार नहीं पड़ते, सपोर्ट करता है ऑफकोर्स वेट लॉस में, मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ऑफकोर्स मेंटेन करता है गुड डाइजेशन जो कि वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड लास्टली मेंटेन करता है पीएच बैलेंस इन द गट. सो फॉर मैनेजिंग वेट, मेटाबॉलिज्म और मूड डिस गार्सिनिया बायो आयुर्वेदा का वर्क्स रियली ग्रेट. और हाँ, इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक ही इंग्रेडिएंट है जो कि है गार्सिनिया. इनफैक्ट आपने देखा होगा कई बार स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की वजह से भी वेट बहुत ज़्यादा गेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी गार्सिनिया वर्क्स रियली ग्रेट गाइस. सो बायो आयुर्वेदा के इन तीनों कैप्सूल्स के बारे में मैंने आपको इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए. ये प्रोडक्ट्स नॉन जीओमो है, ये आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स एंड ऑफकोर्स लास्टली पैराबिन फ्री है. सो बायो आयुर्वेदा का चाहे बायो डायबलेस हो या फिर गार्सिनिया हो या फिर बायो विटामिन डी हो, ये तीनों प्रोडक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इजीली मिल जाएंगे. इनफैक्ट आपको बायो आयुर्वेदा के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज वहाँ पर मिल जाएगी. अगर आप इन तीनों में से कोई और परेशानी से जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं तो आपको वहाँ पर ना और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो एक्चुअली आपकी हेल्प कर पाएंगे. सो जस्ट चेक देयर वेबसाइट वंस एंड यू विल गेट ऑल दोस प्रोडक्ट्स जो वो लोग सेल करते हैं. जीरो सिंथेटिक्स के साथ ऑर्गेनिक लग्जरी आपको बायो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स में मिल जाती है. उनकी वेबसाइट ज़रूर चेक करिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी. लिंक वंस अगेन लेट मी टेल यू बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट इट गाइस. चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर.